बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आफिस प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद व तुअज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बड़े माशाल्लाह फिट फाट होंगे जी। आज हम जावा का सेटअप कवर करने के लिए आए हैं। हमारे फर्जंद भाई हैं फैसलाबाद के अंदर, बाकर टाउन के अंदर रहते हैं माशाल्लाह, नूरपुरा के पास ही इनकी रहायश है। बड़ी देर के हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की इन्होंने काफ़ी बार, आज उन्हीं के लिए स्पेशली टाइम निकाल के हैं उनका सेटअप कवर करने के लिए। उन्होंने माशाल्लाह 10 से 15 पेयर्स जावा के लगाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास बहुत ही अच्छी ब्रीड आई है माशाल्लाह, आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे गपशप करते हैं, उनके बर्ड्स की ब्रीड के बारे में पूछते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने 10 से 11 पेयर की जो जर्नी है वो कैसे इन्वेस्ट किया, कितना अर्न किया। चलें आपको फर्जंद भाई से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्जंद भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं जी? जमान भाई अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फर्जंद भाई मैं ठीक ठाक। सर ये आपका प्यार था जो हमें खींच लाया यहाँ तक। सर आपके नवाजिशा आप आए हमारी रिक्वेस्ट पे। नहीं नहीं जज़ाकअल्लाह, रिक्वेस्ट नहीं, ये तो भाइयों का एक पैगाम था, भाइयों ने एक मतलब के बहुत शुक्रिया सर कहा कि हमारे सेटअप पर आएँ। तो ये माशाल्लाह फर्जंद भाई का सेटअप है माशाल्लाह। अच्छा फर्जंद भाई बताते चले आपने टोटल कितने पेयर लगाए हुए हैं? सर सर मेरे पास 11 पेयर लगे हुए हैं सिल्वर जावा के। सही। और दो पेयर के साथ स्प्लिट की फीमेल, वो मुझे फीमेल नहीं थी मिली सिल्वर की। सही। तो फिर मैंने स्प्लिट की फीमेल लगाई है तो माशाल्लाह उसमें सिल्वर भी आ रहे हैं, ग्रे भी आ रहे हैं। बाकी मेरे पास 9 पेयर जो है ना वो सिल्वर टू सिल्वर लगे हुए हैं, सिल्वर टू सिल्वर लगे हुए और माशाल्लाह 11 पेयर मेरे पास लगे हुए हैं। और आप 11 के 11 पेयर मेरे पास ब्रीड करके बैठे हुए हैं, 3 पेयर के पास मेरे अंडे हैं और बाकी 7 पेयर के पास 7-7 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा फर्जंद भाई आपने जो सारी एवरी है ये मेरे ख्याल से अपने गैराज के अंदर लगाई हुई है? यस सर अपने गैराज के अंदर ही लगाई हुई है, जगह ये पड़ी थी मेरे पास, मैं इसको यूटिलाइज किया है माशाल्लाह। तो अच्छा ये बिजनेस आइडिया जावा का ही क्यों आया, लव बर्ड का क्यों नहीं आया आपको, या कोई और भी चीज़ें जैसे माशाल्लाह बर्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं म्यूटेशन वगैरह? सर मैंने ना किया BS जूलॉजी। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं 4th सेमेस्टर में था तब ना लॉकडाउन था तो मैं पेपर हुए थे ऑनलाइन, तो घर में वाईफाई लगवाया तो तब ना फ्री थे, मोबाइल पे वीडियो सर्च करते रहे। मेरे ना कि वीडियो आई थी फिंच की। सही। तो फिंच मुझे अच्छी लगी थी, फिंच मैंने स्टार्ट किया। फिर 4th सेमेस्टर में मैंने 5 पेयर लगाए थे फिंच के माशाल्लाह। तो उसमें सारे कोई मोर्टैलिटी हुई, कोई हमें नहीं थे रखने आते, तो फिर बाद ब्रीड भी आई तो ना उसमें ना हमें नुकसान हुआ ना हमें कोई फायदा हुआ, बाद में रेट नीचे आ गया। तो फिंच का नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर। यस सर एक एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा हो गया था उसमें माशाल्लाह। फिर मैं 7th सेमेस्टर में ज्वाइन की थी मेडिकल रैप की फील्ड। सही। तो तब मैंने आपसे भी रब्ता किया था कि जमान भाई मुझे सिल्वर जावा कहीं से मिल दे दें लेके, तो आपने पता किया था तो आपको नहीं थी मिली सिल्वर जावा। तो फिर मैं सर्च करता रहा तो एक दोस्त मिला उसके पास में मुझे सिल्वर जावा मिली थी, तो मैं सर जी 11 पेयर परचेज किए उससे। तो माशा खुद जो मैंने पट्ठे तैयार किए हैं। अच्छा मतलब वो 11 के 11 पेयर से आप ब्रीड ले रहे हैं? यस सर। अच्छा तो फर्जंद भाई आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी इनके ऊपर? सर इन्वेस्टमेंट 40,000 मेरी इन्वेस्टमेंट थी माशाल्लाह सब पेयर्स के ऊपर मिला के ना, मतलब केजीज के केजीज को इंक्लूड करके? नहीं केजीज निकाल गए, बर्ड्स बर्ड मेरे 40,000 के थे। ये केज मैंने खुद बनवाया था घर में, ये वाला, और ये मैंने अब बनवाया ये वाला जब ब्रीड पर लगाए जावा। सर ये खुद ही आपने सारा हैंडमेड तैयार किया? ये हैंडमेड है, ये मैंने बनवाया था। अच्छा ये आपने बनवाया था? यहाँ पे लगने थे बॉक्स, बॉक्स में लेट हो गए थे तो सीजन स्टार्ट हो गया था, फिर मैंने कुछ ये लगा दिया था कि ब्रीड मेरे पास स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इनकी एज 8 मंथ हो गई थी पूरी। 8 मंथ पूरी हो गई ये 8 मंथ के बाद बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं जावा। अच्छा तो फर्जंद भाई जैसा कि सिल्वर जावा आजकल जो कह लें कि गुड्डी चढ़ी हुई है फॉन जावा की, यस सर, या ओपल जावा की या वाइट रेड की जावा की, जी जी, तो सिल्वर जावा सेल करने में कोई मुश्किल हुई हो या मार्केट के अंदर आपको कोई टफ टाइम मिला हो? सर अलहमदिल्ला नहीं मिला, क्योंकि सर मेरे पास चीज़ अच्छी थी, मैंने ना अपनी प्रोग्रेस दिखा के ना नेट पे शेयर की थी, तो आप समझ कि आप अपनी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वर्किंग को जारी रखा आपने, सोशलाइज किया आपने सेटअप को। सर खुद को सोशलाइज करेंगे तो लोगों को पता चलेगा आपके पास क्या लगा क्या नहीं लगा, नहीं लगा हुआ। उसके अलावा आप जो मर्जी लगा के बैठ जाए किसी को नहीं पता चलना कि आपने क्या लगाया क्या, जैसे जब तक आप सोशलाइज नहीं ना होंगे तो लोग आपको नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते। अच्छा तो अब तक आप कितने क्लच इसके सेल कर चुके हैं और माशाल्लाह कितना अर्न कर चुके हैं? सर ये 1st क्लच मेरे पास सेल हो गया मेरा सारा। कितने बच्चे आए थे उसमें आपको? उसमें सर मेरे पास माशाल्लाह 50 के ऊपर बच्चे आए थे मेरे पास माशाल्लाह। तो फिर वैसे हुआ कि लोगों में बुकिंग थी तो बुकिंग रखी, उसमें कोई पीस एक्सपायर्ड हुए जब मैंने रख ली ना पीस सर्दी की वजह से, और साथ में ऐसे सर मोर्टैलिटी भी थोड़ी बहुत मेरे पास 9 पेयर मेरे 9 पीस। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सीखने को काफ़ी कुछ मिला? सीखने को काफ़ी कुछ मिला सर, 9 पीस में एक्सपायर हुए थे पर उसके बावजूद माशाल्लाह तकरीबन 60,000 के पास ना मैंने सेल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, 60,000 के मैंने पीस सेल किए माशाल्लाह। मतलब कि आप 60,000 रुपये तक अर्न कर चुके हो? यस सर। मतलब कि आप इस वक्त माशाल्लाह प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए? यस सर प्रॉफिट के अंदर, जैसे मेरे जो बर्ड्स हैं ना उनकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गई, जो मैंने की थी ना वो वापस आ गई है
और प्रॉफिट भी आ गया इसमें माशाल्लाह, सेकंड क्लास में लेके बैठे हुए साहब, फिर मिले जबरदस्त, मतलब कि अब आपके पास प्रॉफिट शुरू है, अब आप इसी को लेके आगे चलेंगे कि नेक्स्ट भी कोई प्लान बनाया हुआ आपने? सर नेक्स्ट इसकी ब्रीड फर्स्ट क्लास सेल की है ना मैंने, तो मेरा ज़हन है कि मैं प्लान ये बनाया कि पाइड लगाऊंगा, डायमंड पाइड के ना 10 pair वो लगाऊंगा माशाल्लाह, उसके बाद फिर हम लगाएंगे फोन जावा और फिर सिल्वर जावा कोई बढ़ाएंगे साथ में। सही, मतलब कि अब ये जो जुनून है ये बढ़ेगा या सर कम नहीं होगा? जी सर, सर बहुत अच्छा काम है ये कि घर बैठे बैठे आपका ना एक साइड बिजनेस बहुत अच्छा चलता है ये। अगर जो मेन काम है ना, अगर जॉब करते हैं, अगर बिजनेस है आपका, तो आप कंटिन्यू रखें, ये साइड बिजनेस के तौर पर बहुत अच्छा काम है ये माशाल्लाह। मतलब कि जूलॉजी भी आपका डिपार्टमेंट भी यही है? डिपार्टमेंट भी यही है। मतलब कि अब आपको मोर्टैलिटी का इशू नहीं होगा, आपको पता पता चल जाएगा डाइट क्या करनी है, डाइट में क्या देना है, मेडिसिन मेडिकेशन वगैरह कैसे होगी इनकी? सर बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें, अब तो हमारी फील्ड भी यही थी तो काफ़ी मज़ा आया इसमें ना। चलिए अल्लाह ताला आपके सेटअप में मजीद बरकत डाले। अच्छा तो फरजंद भाई ब्रीड की आई हुई है इस वक्त? सब पेड़ के पास ब्रीड आई। चलिए जी हमारे व्यूवर्स को ब्रीड दिखाएं अब आप। जी फरजंद भाई, ये जमान भाई, ये मेरा फर्स्ट नंबर पे पेड़ है ये वाला माशाल्लाह, ये सिल्वर टू सिल्वर लगा हुआ है? सिल्वर सिल्वर लगा हुआ है। अच्छा मतलब कि आपने बॉक्सेस की जगह बॉक्स नहीं लगाए, आपने सिर्फ कुछ लगा दिए? सर वो लेट हो गए थे बहुत, फिर मैं मटकी लगा दी थी, हमारे 7 बच्चे हैं इसमें माशाल्लाह। और सर एक पेड़ माशाल्लाह 7 बच्चों को पाल रहा है? यस सर, ऐसे पेड़ के 9 एग थे, 9 के 9 फर्टाइल थे, बाद में मैंने शफल कर दिया था, अब 7 बच्चे इसको नीचे दिए हुए मैंने पाल दिए, सबका माशा बहुत अच्छी फीड कराई हुई है इसने, साइजिंग भी बड़ी अच्छी है बर्ड्स की माशाल्लाह। यस सर। अच्छा तो फरजंद भाई ये राज क्या है, मतलब कि 7-7 बर्ड्स की एवरेज है और माशाल्लाह बर्ड भी हेल्दी है और बच्चे भी चिक्स भी आपके हेल्दी है? सर इसका मेन मैटर है कि ब्लड लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना बर्ड्स, तो आपके पास एक डाइट और दूसरी ब्लड लाइन, मतलब कि ब्लड लाइन मैटर करती है? यस सर ब्लड लाइन बहुत मैटर करती है इसमें। तो सॉफ्ट फूड में आप क्या यूज करवा रहे हो और दाना क्या आप इनको दे रहे हो? सर सीड मिक्स मैं खुद बनाता हूँ इनका। सही, इसमें के कंगनी है सफेद लाल और चीना और मूंजी और ब्रीक बाजरा है इसमें। अच्छा ब्रीक बाजरी खाते हैं? यार ब्रीक बाजरी खाते हैं सर। सही सर, 20 किलो दाना बनाता हूँ ना इसका सीड मिक्स, उसमें 2 किलो ब्रीक बाजरी ऐड करता हूँ मैं, 2 किलो ब्रीक बाजरी ऐड करते हैं तो ये खाते हैं सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है दाने सीड मिक्स का इसका माशाल्लाह। और सर सॉफ्ट फूड में कभी इनको एग पे डाल देते हैं, कभी बॉयल्ड राइस करके डाल दे हुए, और कभी वो छली दूधिया मिल जाए तो वो डाल देते हैं, वो डाल देते हैं, मतलब कि सॉफ्ट फूड इनका मस्ट है। सर सॉफ्ट फूड यानी कि आप समझ जाए कि जावा जो बच्चा है ना अपना, वो पालते ही सॉफ्ट फूड पे है, सॉफ्ट फूड पे। अगर आप सॉफ्ट फूड देंगे तो आपके पास मोर्टैलिटी नहीं आएगी, मोर्टैलिटी नहीं आएगी माशाल्लाह। आज इनका मैं चावल ज़्यादा खत्म कर दिया इन्होंने। अच्छा मतलब कि जावा ये आप डेली रूटीन पे देते हैं? सर चावल दे दिए, एग बेड दे दिया। सही, और ये नेक्स्ट पेयर है आपका? जैसा ये नेक्स्ट पेयर है। अच्छा पानी आपने इनको खुला नहीं दिया हुआ, पानी आपने इनको दिया हुआ है उनके अंदर ड्रिंकर में? सर ड्रिंकर में। सर वो इसलिए कि सर्दी है ना जी, तो नहाती बहुत है, नहाती थी और सर मेरा लगा भी गैराज में हुआ सेटअप, तो इसके के पेयर के पास ना ज़्यादा बीमार ना हो इसलिए सर। इसमें 6 बच्चे हैं माशाल्लाह इसमें माशाल्लाह। ये कवर होने वाले हैं? यस सर। मतलब कि ये बाप के बोनस है? यस सर ये बोनस है, अल्लाह ताला मुझे बरकत दे। अच्छा तो फरजंद भाई मतलब कि माशाल्लाह पहले साल के अंदर आपको ब्रीड भी बहुत अच्छी आई है और फेस भी काफ़ी कुछ करना पड़ा है। यस सर, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि बिजनेस करना हो या कोई शौक करना हो तो हर चीज़ साथ साथ ही लेके चलनी पड़ती है। ये सर ऐसा ही आप हाँ देखें, बिजनेस जो है ना उसमें रिस्क लाजमी है, लाजमी है। अगर आप रिस्क ही ना लेंगे किसी चीज़ में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, रिस्क लेंगे तो काम चलेगा, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे या नुकसान हो जाएगा, सेल कैसे करूंगा, लगाएंगे चीज सेल के। आपने 40,000 का पौधा लगाया था? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह फल फूल रहा है, वो आगे उसकी ब्रांचेज और आप लगा रहे हैं? यस सर इंशाल्लाह लगाएंगे, समझ आ गई ना अब हमें। जैसे आप बता रहे हैं कि आप फोन जावा लगाएंगे? जी सर फोन जावा लगाएंगे, मतलब सेल करने में आपको कोई मसला नहीं होना? नहीं सर सोशलाइज करेंगे ना खुद को आप, तो आपकी चीज आस्ता आस्ता आपका नाम एक मार्केट में बन जाएगा, तो लोग आपको पहचानेंगे तो आपकी चीज सेल होनी शुरू हो जाएगी माशाल्लाह। आपके कॉन्फिडेंस से भी लग रहा है कि माशाल्लाह आपने काफी अच्छी अपनी मार्केटिंग कवर की हुई है। यस तो ये सारे बॉक्सेस के अंदर ब्रीड मौजूद है आपके साथ? पेड़ ब्रीड करके दिखाते हैं, दिखाते चले साथ साथ माशाल्लाह। मतलब की ये जब चिक सेल्फ होंगे ये अवेलेबल भी होंगे? यस सर अवेलेबल भी होंगे। साथ में 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, मतलब की 7-6 जबरदस्त, हर क्लच में 6-7 हर क्लच में। फर्स्ट क्लच भी इनका माशाल्लाह ऐसा ही आया था, और फर्स्ट क्लच में सर मैंने ना साइजिंग नहीं थी की इनकी। अच्छा इनके अंदर भी साइजिंग करनी पड़ती है? साइजिंग वो आप देखेंगे 7 एग्स आए हैं ना हमारे पास, तो लास्ट वाला होता है वो नीचे वो लास्ट में ज्यादा ऐसे करती है कि जब क्लच पूरा हो जाता है ना सारा फिर ये इनके बिजनेस स्टार्ट करती है। सही, तो जब पहले दिन हैचिंग स्टार्ट हुई ना 3 बच्चे निकल आए आपके, फिर जाके 1 निकल आया फिर 2 निकल आए, जो लास्ट बच्चे होते ना 1-2 वो नीचे जाकर दब जाते हैं। सही, यदि मैं चौथा पेड़ है आपको दिखाता हूँ। अच्छा मतलब कि आपने इनको रिंग्स भी डाले हुए हैं अपना? सर ये मेल फीमेल ना मैंने कंफर्म किया था। सही, अच्छा खुद ही कंफर्म किया कि डीएनए वगैरह? खुद ही किया था, जो सिंगिंग करता था ना मेल उसके ऊपर मैं ना इंजेक्शन में इंक फिल की हुई थी। सही, वो इंक गिरा के ना निशानी लगा कर उसको रिंग पे ना देता। अच्छा मतलब जो सिंगिंग करता था वो मेल होता था? वो मेल था, मैंने ऐसे सारे पेड़ किए, इसमें 7 बच्चे हैं इसमें भी माशाल्लाह।
जबरदस्त 7667 जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा सिर्फ सॉफ्ट फूड आपने देना है, पानी एक बार डालना है, दाना भी आपने एक बार इनको डालना है। जैसे पानी डेली चेंज करना है इनका सही, और जो सीड मिक्स है ये दो दिन आप ना भी चेंज करें काफी होता है। ये बिरयानी के डिब्बे लगाए हुए हैं 30-30 रुपए का, लेकिन एक जुगाड़ लगाया हुआ है, इसमें दाना बाहर नहीं गिरता, बिल्कुल ज़ाया भी कम करते हैं, ज़ाया कम करते हैं। ये आगे साथ पेड़ लगे हुए हैं माशाल्लाह, इसका मतलब है कि कोई भी आपका बॉक्स या कोई भी कुछ निकलवाएंगे तो उसमें माशाल्लाह ब्रीड नजर आएगी, ब्रीड आएगी। ये देखो इसमें 6 अंडे आ गए हैं, फटे अच्छा इसमें अंडे माशाल्लाह आ चुके हैं, इसमें 6 अंडे आए हैं जी सर। सर इसका पहला क्लच अंडे आए थे ना वो बच्चों ने खराब कर दिए थे सही, और सर्दी की वजह में बच्चे सेट पर नहीं थे कि ये के ना सर्दी है जरा पेरेंट के साथ रह ले, साथ रह ले, तो इसलिए सर ऐसा हुआ था माशाल्लाह। मतलब कि जोन सा भी आपका हम कुछ चेक करवाएंगे उनके अंदर ही ब्रीड आएगी, ब्रीड आएगा सर। तो पर्ची का आपने कैसे सेल किया था माशाल्लाह इसका? सर स्टार्ट पे जब मैं सेल किया था तो 2000 का पीस सेल किया था सिर्फ जावा का, यस सर। सर बाद में फिर सर्दी आ गई थी, रेट नीचे आ गए, तो लास्ट टाइम जब मैं था सर्दी में मेरे ख्याल से इनकी सर्वाइवल बड़ी कम हो जाती है, चिक्स बहुत डेथ होते हैं सर। ऐसे ही होता है जिनके पास नहीं ना संभाल होते बच्चे वो फिर सेल करते हैं, रेट नीचे आ गया था, तो लास्ट मैंने 6 पीस कार्गो किए हैं अब गोजरे, तो 1500 के हिसाब से पीस है। मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर आप कर रहे हो? सर कार्गो कर देते हैं हम, जबरदस्त जी। जमान भाई इसमें भी मेरे 6 बच्चे हैं, सही भी माशाल्लाह आपका सिल्वर टू सिल्वर का, यार सिल्वर टू सिल्वर लगा हुआ है। अच्छा ये माशाल्लाह ऐसा, ये 6 बच्चे हैं, ऐसा 6 बच्चे हैं जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा इनमें मेल और फीमेल दोनों इंक्यूबेट करते हैं कि? सर दोनों करते हैं, फीड भी दोनों करवाते हैं। अच्छा फरजान भाई आपका जो एक्सपीरियंस है जी 1v1 का जी, तो क्या प्रेफर करते हो नए शौकीन हजरात को? सर हर का ना अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो कई लोग हम खुद यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कई बंदों के पास ना कलोनी बहुत अच्छी कामयाब है, तो मैं किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो 1v1 इज बेस्ट है, 1v1 बेस्ट है। 1v1 में सर सिर्फ ना आपको दाना पानी का टाइम लगना है, उसके अलावा कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन ब्रीड अच्छी आएगी, ब्रीड अच्छी, जो ब्रीड आपके पास आ जाती है ना वो सिक्योर हो जाती है, वो ज़ाया नहीं होती। दूसरा आग ये मेरा ना दिखाता हूँ आपको, ये पेड़ है ना इसका मेरा मेल से सिको हो गया था, जरा ढीला हो गया था, फिर मैंने इसको मेडिसिन दी, फ्लैजर सिरप दे दिया इसके ड्रिंकर में डाल के, तो मुझे पता लग गया यार ये पेड़ का मेरा मेल जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वीक हो गया जी, वीक हो गया, मसला कोई बना। मतलब कि आप स्पेशल उसकी केयर करते रहे हो? फिर उसकी केयर कीजिए ना, कि बताने का मकसद है कि पता चल जाए कि कहां बंदा ढूंढता रहेगा कौन सा बीमार है कौन सा नहीं है। कॉलोनी में अब एंटर होंगे ना, अगर अगर पेज एक बीमार हो गया नजर आ गया एंटर होते हैं कॉलोनी में, तो सारे जावा निकलते हैं बाहर, वो पंजों के साथ लाके एग बाहर आ गए, बच्चे बाहर गिर गए, तो नुकसान होता है ऐसे। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये फरजंद भाई जो 1v1 होता है आप उसको कैरी भी बड़े बेस्ट तरीके से कर सकते हो और वॉच भी बड़ा जबरदस्त कर सकते हो जी, वो जब हर टीम हाउसिंग कीपिंग उसकी बहुत बेहतरीन होती है। सर आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस तरीके को अंडा आया है, इस तरीके को बच्चा आएगा, इनका पूरा ब्रीडिंग साइकिल है। जब मैंने अब नोट किया ना, अब 18वें दिन में सर जब क्लच कंप्लीट हो गया, उसके बाद 18 दिन बाद बच्चे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और 26 दिन बाद बच्चा मटकी से बाहर आ जाता है, मटकी से बाहर आ जाता है। और जब बच्चे की एज होती है ना 50 डेज 50 दिन, प्रॉपरली सेल्फ हो जाता है, आप सेपरेट करके सेल कर सकते हैं। माशाल्लाह फरजान भाई बड़ी ज़बरदस्त आपकी वीडियो बनी माशाल्लाह, बड़ा इन्फॉर्मेटिव माशाल्लाह बना। मुझे कुछ कह लें कि मेरे व्यूवर्स कह रहे थे कि जावा के ऊपर बनाएं, जावा के ऊपर बनाएं, रैंडमली ही आपके मैसेजेस आए हैं 2-3 बार, मैं भी बिजी रहा लेकिन आज स्पेशली टाइम निकाला, वो टाइम निकालने का भी आज माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ, बहुत शुक्रिया, काफ़ी कुछ सीखने को हमें भी मिला, हमारे व्यूवर्स को भी मिला, कि माशाल्लाह एक बड़ी मोटिवेट वीडियो बनी, कि माशाल्लाह अभी न्यू सब्सक्राइबर है, यंग ब्रदर है और 11 पेड़ लगाए हुए हैं जी सर, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड आई है, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा और हार्ड अर्न भी कर लिया हुआ है। यस सर ये बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है, ना आपने वाइल्ड लगाई थी, ना आपने कोई कह लें कि फोन जावा लगाई थी, ना आपने कोई कह लें कि इतनी हाई म्यूटेशन लगाई थी, लेकिन फिर भी आपने इतना अच्छी अमाउंट इससे अर्न की है। यस सर। अच्छा तो फरजान भाई मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा पर्सनली, अगर आप जॉब करते होते तो क्या आप इतना अर्न करते? सर जॉब कर रहा होता तो ज़ाहिर ही पता जॉब जॉब होती है, ये बिजनेस है, ये है कि शौक है आपका, बिजनेस है ये वाला। अरे वो कहते हैं कि बिजनेस जो है ना वो आगे तक चलता है, चलता है, जॉब एक बंदे तक महदूद है, बंदे को महदूद कर देते जॉब, महदूद कर देते, ये महदूद नहीं करता आपको, मतलब कि आपकी पार्ट टाइम जॉब के लिए शौक के लिए जिसके अंदर आपको बड़ा अच्छा अर्न हुआ है यार, पूरे देखे ना, मतलब कि आप इतना मोटिवेट हुए तो अब इसको आप ज्यादा कह लें कि ग्रो कर रहे हैं, ऐसा करेंगे चलिए, ऐसा है कि घर में एक डेकोरेशन लग जाती है और दूसरा सर वो देखने में भी आ रहा है माशाल्लाह, आपने गैराज को बड़ा जबरदस्त किया हुआ है, पूरा मोटिवेट आप हुए हैं माशाल्लाह इस हॉबी के साथ साथ ही, कमरे को आपने डेकोर भी पूरा किया हुआ है ना, ऊपर कह लें कि आप कह नहीं सकता कि ये कोई एवरी है ना के राज है, माशाल्लाह दोनों चीज़ें मिक्स ही कह सकते हैं आप इसको। सर नेक्स्ट टाइम जब आपको अपना रिक्वेस्ट करेंगे ना आपको इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नहीं सर, सर तब तब सर मैं आपको कहूँगा कि फरजंद भाई वीडियो बनानी है फिर दोबारा, सर पाइडा भी होगी जवाब भी इंशाल्लाह लगाएंगे। अच्छा तो ये आपने एक डव का पेड़ लगाया हुआ? सर एक डव का पेड़ लगाया, ब्रीड करके बैठा हुआ, बच्चा निकाला हुआ इसने माशाल्लाह, तो ये कॉमन का मैंने ना 4-5 पेड़ लगाए थे सही,
तो आप मैंने एक ही पेड़ रखा हुआ है इसका। अच्छा, मतलब कि आपने चॉइस ही उस बर्ड्स की है जो सदा बहार है, कहने बारह माह ही जिसकी ब्रीड सर। उसके अलावा ना मुझे स्पैरो फैमिली में ना इंटरेस्ट आया कि पैरट फैमिली में लगाए थे, बजरी लगाए हैं, छोटे छोटे लगाए थे, लबड़ अब लगाए हैं, तो उसका ना इतना कोई खास मुझे नहीं रिस्पॉन्स। लबड़ क्या क्या लगाया हुआ आपने? लबड़ मेरे एक लुटीना पर्सनाटा है, एक ब्लू फिशर है, एक ग्रीन फिशर है, वो अंदर रखा हुआ, वो अंदर रखे हुए हैं। तो उसका क्या रिजल्ट रहा आपके पास? सर वो डेड इन शेल आया मेरे पास, लेकिन मैं कह लें कि प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहा उनकी। मतलब कि आपको कह लें पंजाबी में ये सही तरीके से ये जावा रास आई है, स्पैरो फैमिली रास आई है सर। चले अल्लाह ताला इस सेटअप के अंदर मजीद बरकत डाले, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे जी। बहुत शुक्रिया आमीन। ठीक है, जैसे कि माशाल्लाह फरजंद भाई के साथ हमारी मोटिवेशनल वीडियोज़ हुई जावा के ऊपर, माशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने समझाया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था इनका, 11 पेज इनके पास थे, तो माशाल्लाह इन्होंने बताया भी कि कितनी इन्होंने स्टार्टअप लिया था, कितना माशाल्लाह इन्होंने अर्न किया है। आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको फरजंद भाई का सेटअप कैसा लगा, फरजंद भाई की गुफ्तगू कैसी लगी, फरजंद भाई के माशाल्लाह जो बर्ड्स की ब्रीड है वो आपको कैसी लगी। इसी के साथ हम इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।